आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशि फिर लेकर के आई हूँ 12 अगस्त से 18 अगस्त 2024 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इस विषय पर बात करूंगी। साप्ताहिक राशिफल बहुत ही सामान्य चंद्रमा के गोचर के ऊपर ही आधारित होता है, तो आप लोग अपने चंद्र राशि से देख सकते हैं, बुलाने वाले नाम के अक्षर से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता है तो उसका भी उपयोग आप साप्ताहिक राशिफल को समझने में कर सकते हैं। इसे कैसे करना है इसके लिए मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आप पैदा हुए थे तो आपका जो चंद्रमा था वो शनि के किसी भी नक्षत्र में था, तो वो जो शनि ग्रह होगा वो आपका 1 नंबर का ग्रह बन जाएगा। तो आप शनि से गिनेंगे 3रे नंबर 5वें नंबर और 7वें नंबर का जो ग्रह बनेगा उसके ऊपर से कोई मेरकरी प्लैनेट का ट्रांजिट हो, या फिर जो आपका चंद्रमा शनि के जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से 3रे नंबर का नक्षत्र, 7वें नंबर का नक्षत्र और 5वें नंबर के नक्षत्र के ऊपर से भी जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को जरूर मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपने जन्म का समय नहीं पता है तब आप अपने बुलाने वाले नाम का जो पहला अक्षर है उसको आप गूगल पर जाइए और उसको डालिए और उसमें ये लिखिए कि इस नाम इस अक्षर से कौन सी राशि आती है, तो गूगल आपको बता देगा। तब आप उसे राशि का जो प्रिडिक्शन है उसको सुन लीजिएगा। और मैं जो आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल बताती हूँ इसमें लास्ट में जो बड़े ग्रह होते हैं उनके प्रभाव को भी संक्षेप में सम्मिलित करती हूँ। वो इसलिए कि जो ये चंद्रमा होता है यही 27 नक्षत्रों से भ्रमण करता है और इन ग्रहों से ही संबंध बनाता है। तो जो हमारे 9 ग्रह हैं यही महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण में कहीं ना कहीं पर चल रहे होते हैं। तो चंद्रमा का जब उससे कनेक्शन होता है तो रिजल्ट वो देता है, क्योंकि जो भी ग्रह की दशा चलती है बगैर चंद्रमा के परमिशन के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। इसलिए जो है चंद्रमा बड़ा छोटा सा लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। तो मैं आप लोगों को राशिफल बताऊं उसके पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे कोई भी वीडियो आते हैं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाया करे। अब चलिए अलग अलग राशियों के ऊपर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए सोमवार सवेरे 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं, पैसे, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ साथ इस समय पर आप नए काम का प्रारंभ भी कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस में किसी नए भागीदार को लेकर के आना, किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो सामने वाले व्यक्ति को आप विवाह के लिए प्रस्ताव देना या आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है। धन, मान सम्मान सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो जरूरी काम आप यहाँ पर पूरे कर लीजिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है मेष वालों के लिए काफी सेंसिटिव है। महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन नहीं करना है यहाँ पर। मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है मेष वालों के लिए औसत है। यात्राएं हो सकती है लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ कोई कहा सुनी वाद विवाद मतभेद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ आप जो भी लिखने पढ़ने का काम करते हैं, कोई पेपर डिस्चार्ज करना है, कहीं किसी को आपको मैसेज करना है, मेल करना है, तो उसको सावधानी से करिएगा, वहां पर आपसे कुछ मिस्टेक होने के भी योग बनेंगे। इसी के साथ साथ आप थोड़े से असंतुष्टि के भाव में रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो इस समय को आप निकल जाने दीजिएगा। इसके बाद शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा मेष वालों के लिए यहाँ से स्थितियां अनुकूल होना शुरू होंगी। हालांकि वीकेंड का दिन है लेकिन फिर भी आपके ये सर्विस और बिजनेस से संबंधित चीजों के लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशन है आपका, बिजनेस है, ये सब ग्रोथ की ओर जाएगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मंडे का जब दिन शुरू होगा तो उसके लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं और जिन भी लोगों के साथ में आपका काम है उन लोगों से आपको बहुत सहयोग मिल सकता है। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं शनि वक्री स्थिति में आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, बुध शुक्र आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। देखिए ये प्लैनेट्स मिलकर के आपको कुछ ना कुछ पैसों से संबंधित
और रिजल्ट दे सकते हैं कुछ आपको रचनात्मक कार्यों से, बच्चों से जो जुड़े हुए कार्य हैं, ट्रेडिंग शेयरिंग सबके माध्यम से कुछ फायदा करवा सकते हैं। मंगल गुरु आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, पारिवारिक कार्यों को पूर्ण कराएंगे, कुछ आपको ये धन भी दे सकते हैं। राहु द्वादश में चल रहे हैं, बराबर खर्चे भी बना करके रखे हुए हैं, विदेशों से आपके संपर्क बनाए हुए हैं, तो खर्चों से बचाव करिएगा और फॉरेन रिलेटेड जो काम है आप उनको पूरा कर सकते हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपकी गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों को पूर्ण कराएंगे, लेकिन पारिवारिक पक्ष का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है वृषभ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है, नौकरी में फायदा हो रहा है, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, पैसों का लाभ, यात्राओं से फायदा, जितनी भी आपकी शत्रुता है उन सब चीजों में भी आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब आपकी दूर होगी। कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है, प्रतियोगिता में आपको लाभ हो सकता है, कॉम्पिटेटिव फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी तरह का केस मुकदमा दायर करने के लिए भी समय अच्छा है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही लाभप्रद रहेगा, और जरूरी कामों को आप यहाँ पर कर लीजिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है ये भी आपके लिए सहयोगी है। यहाँ पर आपको यात्राओं से फायदा, मान सम्मान, करीबियों का साथ और सहयोग, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपसी मतभेद को यहाँ दूर कर सकते हैं, बिजनेस में नए पार्टनरशिप को आप लेकर के आ सकते हैं, बिजनेस का प्रारंभ कर सकते हैं। किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो सामने वाले व्यक्ति को आप अपने मन की बात बता सकते हैं, विवाह की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और पार्टनरशिप से संबंधित सारे कार्य आप यहाँ पर अच्छे से करिए और नए काम का आप यहाँ पर प्रारंभ भी कर सकते हैं, आपको फायदा करेगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है वृषभ वालों के लिए काफी सेंसिटिव है, महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ और पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करिएगा, सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है वृषभ वालों के लिए औसत है, यहाँ पर आप लोगों के थोड़े बहुत यात्राएं हो सकती हैं, कुछ आप आसपास कहीं घूमने चले जाएं, लेकिन फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है या किसी बात को लेकर के आपको उनसे कोई मतभेद हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। वो भी आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं, मेल कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, कोई पेपर वगैरह डिस्पैच करना है, वहाँ सावधानी बरतिए, उसमें कुछ त्रुटियां होने के भी योग बनेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, शनि आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, वक्र स्थिति में कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी स्थितियां हैं उनको आप अच्छे से करिए, बड़े बदलाव की ओर बहुत ज्यादा भी प्रयासरत मत होइए। हालांकि कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, जिनके नेटर चार्ट में शनि वक्री होंगे उनके लिए तो कार्य क्षेत्र में नए नए अवसर भी लेकर के आ रहे होंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, बिजनेस, भागीदारी वाले कार्यों को भी पूर्ण कराने में मदद करेंगे। मंगल गुरु आपके लगन में चल रहे हैं, खर्चे वगैरह आपके बना करके रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ आपके व्यय हो रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई, बच्चे, यात्राएं और विवाह जैसी स्थितियों के लिए ये सारे प्लैनेट्स मिलकर के आपको कुछ योग निर्मित कर रहे हैं। राहु प्लैनेट जो है आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है राहु की। मीडिया, आर्ट से जो जुड़े हुए काम है उनको पूर्ण कराएंगे। विश्व वालों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, संतान से संबंधित कुछ घटनाक्रम हो आपकी, या आपके विवाह के योग, बिजनेस के योग, इस तरह के सभी बड़े प्लैनेट्स मिलकर के आपको इस ओर संकेत कर रहे हैं, उसका फायदा ले लीजिएगा। जिनकी दशाएं वगैरह ठीक ठाक चल रही हैं उनके बड़े काम पूरे हो सकते हैं। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों की। देखिए, मिथुन राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है औसत है, यहाँ पर आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं ऊपर थोड़ी सी अपनी नजर बना करके रखिएगा, वो अपने मनमानी कर सकते हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में है पार्टनर से बेवजह क्या वाद विवाद कलह क्लेश मत करिएगा। जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई पर फोकस बना करके रखिएगा, मूड स्विंग यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, उसी वजह से आप लोग परेशान होंगे और आसपास के लोगों को भी परेशानी में डाल करके रखेंगे, रचनात्मक कार्यों में समय व्यतीत कर देंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है मिथुन वालों के लिए, यहाँ से स्थितियां अनुकूलता देना शुरू करेंगे, नौकरी से फायदा, यात्राओं से लाभ, पैसों का लाभ, मान सम्मान, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, हर जगह आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेटिव फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, स्वास्थ्य में आपको यहाँ फायदा हो रहा है, और जिन लोगों के कोर्ट कचहरी वगैरह के वाद विवाद चलते रहते हैं तो ये सब केस वगैरह दायर करने के लिए भी समय अच्छा है, कंपटीशन में फायदा हो सकता है, कार्य क्षेत्र आपको अच्छा रहेगा, यात्राओं से फायदा होगा, नौकरी आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां लेकर के आएगी। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा है, कॉम्पिटिशन वाले फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अच्छा समय है ये आपके लिए। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है मिथुन वालों के लिए,
ये भी काफी सहयोगी है। यहाँ पर आपको पैसे मिल रहे हैं, मान सम्मान आपको मिल रहा है, यात्राओं से आपको फायदा भी हो रहा है, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत लाभपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए भी समय अच्छा है। नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, बिजनेस में किसी को भागीदारी में लेकर के आ सकते हैं, या किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो सामने वाले व्यक्ति को आप अपने मन की बात भी कह सकते हैं। ये समय भागीदारी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सारे जरूरी काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो बचा हुआ पूरा संडे का दिन है मिथुन वालों के लिए, ये काफी सेंसिटिव है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रख लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, शनि वक्री स्थिति में आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, यात्राएं आपकी कराते रहेंगे, कॉम्पिटिशन और रोग ऋण शत्रु जैसी जितनी भी चीजें हैं उसको दूर करने में आपकी मदद करेंगे। मीडिया ऑनलाइन क्षेत्र से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे, लेकिन पिता की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसमें छिटपुट उतार चढ़ाव आ सकता है। और राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए करियर और प्रोफेशन में तो आपको मदद करेंगे, लेकिन वर्क प्लेस में किसी तरह की कोई भी कॉन्सपेरेंसी आपके साथ में नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुरु और मंगल आप लोगों के लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। वो आपके लिए कुछ ना कुछ खर्चे बनाए हुए हैं, खर्चों को सही जायज जगह पर कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो दोनों ही प्लेनेट मिलकर के बिजनेस रिलेटेड चीजों के ऊपर कुछ आपके व्यय करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाने में आपका काफी कुछ मदद करेंगे। और केतु आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, तो पारिवारिक पक्ष के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी माँ है, उनकी हेल्थ है, या उनके साथ जो आपका संबंध है, बाकी आपके घरेलू कार्यों को पूर्ण करने में मदद कर देंगे। मिथुन के बाद फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए कर्क राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है काफी सेंसिटिव है। बड़े काम मत करिएगा, पारिवारिक सदस्यों के बीच में अनबन, कलह, क्लेश, वाद विवाद, मनमुटाव, स्वास्थ्य में दिक्कत, सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर, खुद के स्वास्थ्य, माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। पहला दिन है, थोड़ा शांति से निकाल लीजिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है, यहाँ पर आपको अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी केयर करिए। वो लोग अपने मनमानी कर सकते हैं, मतलब कि आपका कहना नहीं माने, कुछ भी ऊटपटांग हरकतें कर सकते हैं, तो उन पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं पूरा फोकस पढ़ने पर रखिएगा, आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। जरूरी रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर से आप बेवजह की चीजें ढूंढ ढूंढ करके आप उनसे वाद विवाद, मनमुटाव पैदा कर सकते हैं, तो इस सब मत करिएगा। इस समय का उपयोग अगर आप अपने हॉबीज, रचनात्मक कार्यों पर लगाएंगे तब आपका इतना ज्यादा मूड स्विंग नहीं होगा, अदरवाइज आप खुद ही परेशान होते रहेंगे और आसपास के लोगों को भी आप परेशान करके रखेंगे। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, यहाँ से कर्क वालों के लिए स्थितियां सपोर्ट देना शुरू करेंगी। नौकरी में फायदा, यात्राओं से लाभ, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, जितनी भी शत्रुतापूर्ण चीजें हैं उसमें आपको यहाँ पर विजय प्राप्त हो सकती है। कंपटीशन में सक्सेस, कॉम्पिटेटिव फॉर्म फिलअप करने के लिए, केस मुकदमे दायर करने के लिए भी समय अच्छा है। हेल्थ में कोई दिक्कत रही होगी वो सब चीजें आपकी यहाँ पर दूर होंगी, और ये समय आपको हर तरह से सफलता दिलाने में मदद करेगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है कर्क वालों के लिए, यहाँ पे स्थितियां काफी सहयोगी हैं। यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, स्पेशली जो लोग खुदरा व्यापारी होते हैं उनको यहाँ पर बहुत फायदा हो जाएगा। नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, नए बिजनेस के लिए, बिजनेस में किसी को भागीदारी में लेकर के आना है, ऐसे पार्टनरशिप वगैरह किसी के साथ करनी है, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप किसी के कोई रिलेशनशिप में है तो आप सामने वाले व्यक्ति को यहाँ पर विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, या आप उससे अपने मन की बात बता सकते हैं। हर एक तरीके से पार्टनरशिप की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री स्थिति में बड़े परिवर्तन, चोट चपेट से अपना बचाव करिएगा। पढ़ाई लिखाई, सीखना, लर्निंग्स, इन सब चीजों से जोड़ करके रखेंगे तो शनि आपको उतना तंग नहीं करेंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ वो आपको परेशानियां देते रहेंगे। परेशानियां मतलब कि कार्यों में थोड़े से अवरोध आपके होते रहेंगे, तो करियर से जुड़े हुए जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं उनको करने के पहले थोड़ा देखिएगा। और मंगल और गुरु बहुत अच्छी जगह पर आपके चल रहे हैं, वो दोनों प्लेनेट मिलकर के आपको पैसे, विवाह, पार्टनरशिप, बच्चों से जो जुड़े हुए कार्य हैं उसको भी पूर्ण कराने में काफी कुछ मदद करेंगे। और राहु प्लेनेट जो है वो आपके भाग्य भाव में चल रहा है, तो यात्राएं, पढ़ाई लिखाई, दूर देश से आपके संबंध बनाएंगे, लेकिन फादर के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। केतु आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, मीडिया आर्ट से फायदा करा देंगे, लेकिन करीबियों के साथ में थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलिएगा, जैसे कि आपके भाई बहन हैं या आपके आसपास के लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा बहुत मतभेद वगैरह करा सकते हैं। देखिए जितने भी लोग हैं कर्क वाले लोग, सारे प्लेनेट्स होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट अलग अलग देंगे ना, जो आपकी दशाएं चल रही होंगी उसका मेजर आपको
परिणाम देखने को मिलेगा। कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है, बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी हो रही है। सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, नौकरी में लाभ, पैसों का लाभ, यात्राओं से फायदा। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, कोई भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, सभी के लिए समय बहुत अच्छा है। मीडिया पेपर, ऑनलाइन वाले जितने भी कार्य हैं, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, ये सब चीज आप यहाँ पर शुरू करिए। कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके पूरा हो, उसकी भी आप शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है, सिंह वालों के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। बिल्कुल शांति बना करके रखिएगा। पारिवारिक कलह, क्लेश, वाद विवाद, सदस्यों के बीच में मनमुटाव, अनबन, स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलेगी, तो पारिवारिक क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, सिंह वालों के लिए औसत है। बच्चों के साथ आपको यहाँ पर तालमेल बिठाना है, बच्चों का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा, उससे अनावश्यक वाद विवाद मत करिएगा। जो लोग रिलेशन पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग, पढ़ने पर फोकस बनाइएगा, आपका माइंड इधर उधर बार बार भटक सकता है। ये वो समय रहेगा जब आप लोगों का बार बार मूड स्विंग होगा, तो अपने हॉबीज वाली चीजों के ऊपर समय व्यतीत करेंगे तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो बचा हुआ पूरा संडे का दिन है, यहाँ से स्थिति आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगी। सप्ताह में पीछे जो कार्य आपके रुके अटके रहेंगे, उसे धीरे धीरे करके पटरी पाना शुरू होंगे। फायदा यहाँ पर होगा, यात्राओं से फायदा हो सकता है, पैसे वगैरह मिल सकते हैं, नौकरी से जुड़ी हुई कुछ अच्छी न्यूज आपको यहाँ मिल सकती है, स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। इसी के साथ साथ कॉम्पिटिशन प्लेस में बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेटिव फॉर्म वगैरह फिलअप करना है उसके लिए अच्छा है, किसी के साथ में कोई सुलह करनी है उसके लिए भी अच्छा है। इसे विवाद वगैरह बीच बीच में होते रहते हैं ना, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए थोड़ा आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्य आपके बारे में भाव में चल रहे हैं, तो अनावश्यक व्यय, खर्चे, यात्राओं में दिक्कतें, फेस रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। थोड़ा सा आपका जो मूड है ना, यहाँ पर अपसेट से रहेगा, ये सिंह वालों को ध्यान रखना है। शनि वक्री स्थिति में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। व्यापार वगैरह आपका बढ़ाएंगे, वो यात्राएं भी आपको देंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा, उससे स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत हो या आपसे कोई मतभेद वगैरह हो, वो आपको सामंजस्य बनाना चाहिए। और राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, यदि आप रिसर्च और पढ़ने लिखने से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, डेटा वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है। अदरवाइज कोई भी बड़े निवेश, गलत क्रियाकलापों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। केतु आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, पैसों का अपव्यय नहीं होने पाए, गलत इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल और गुरु आपके दशम भाव में चल रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति है, वो आपके लिए करियर में भी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी आपको मदद करेंगे, और घर से संबंधित जो कार्य है उसको भी पूर्ण कराने में काफी कुछ वो मदद करेंगे, जैसे मकान है, गाड़ी है, व्हीकल है, ये सब चीजें पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर मंगल जो कि कारक है, उस भाव का भी मालिक है, उसको देख रहा है। गुरु की भी दृष्टि है, शनि राहु सभी प्लैनेट मिलकर के आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करवा सकते हैं। लेकिन इसमें शनि है, राहु है, ये सारे मैल्फिक प्लैनेट्स भी होते हैं, तो जहां एक और आपके कार्यों को पूर्ण कराएंगे, तो साथ ही साथ आपके थोड़े बहुत वो डिस्टर्बेंस भी देते रहेंगे। हालांकि कोई मेजर लॉस नहीं होगा, क्योंकि मंगल का आस्पेक्ट है, तो मंगल अपने घर को बिगड़ने नहीं देगा। फिर भी थोड़ा माँ की सेहत, माँ के साथ संबंधित सब चीजों को बचाना चाहिए। कन्या वालों के लिए बात करते हैं, तो देखिए कन्या राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है औसत है। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा। पैसों का लेन देन यहाँ पर मत करिएगा, थोड़ा सा आप असंतुष्ट रहेंगे, शांति से समय को व्यतीत हो जाने दीजिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है, बहुत ही अच्छा है। स्थितियां यहाँ के लिए, स्थितियां आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएंगी। नौकरी में लाभ, बिजनेस से फायदा, यात्राओं से लाभ, पैसों का लाभ, सारे इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, लिखना, पढ़ना, कहीं साइन करना है, ये सारे कार्य आप यहाँ पर करिएगा, और सभी के लिए समय बहुत सहयोगी रहेगा। आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, सबके लिए समय हेल्पिंग है। और कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके पूरा हो जाए, उसकी शुरुआत भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। गुरुवार सुबह 9 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, करने वालों के लिए काफी सेंसिटिव है। पारिवारिक पक्ष अशांत होगा, कलह क्लेश, वाद विवाद, पारिवारिक सदस्यों के बीच में गलत फहमी, मनमुटाव, स्वयं के स्वास्थ्य, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। सर्दी, जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर और पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा तनाव वाला रहेगा, तो आपको बहुत बैलेंस के साथ में यहाँ पर रहना पड़ेगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से पूरा जो संडे का दिन है, यहाँ पर आपको अपने बच्चों की विशेष केयर करनी है। बच्चे आपके छोटे हैं या बड़े हैं, उनका ध्यान रखिए, थोड़ा वो अपने मनमानी करेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बना करके रखिएगा, मूड आपका यहाँ पर बार बार पढ़ने लिखने से हटेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा, उससे अनावश्यक कलह क्लेश, वाद विवाद मत करिएगा। यदि आप अपने रचनात्मक कार्यों से जुड़ करके रहेंगे, तो यही समय आपको बहुत मदद भी कर देगा।
और जितने भी करने वाले लोग हैं, शनि वक्री स्थिति में आपके छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। कंपटीशन में आपको सफलता दे सकते हैं, कुछ बड़ी सक्सेस आपको सर्विस के क्षेत्र में दे सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, मीडिया आर्ट से जुड़े हुए जो काम है वो सब करवा देंगे, रिसर्च वगैरह में आपको फायदा करा देंगे। मंगल और गुरु आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए जर्नी से अगर आपके बराबर होती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने फादर की हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु आपके सप्तम में गोचर कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, विदेश काफी दूर से आपके कनेक्शन भी बनाएंगे। लेकिन पार्टनर के साथ में तालमेल बिठा करके चलिएगा, क्योंकि राहु मेल फिर पेनेट होता है, सेवन में बैठता है, तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि जो आपके लगन में चल रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में फिर भी काफी स्थितियां अनुकूल है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है केतु के ऊपर, तो अब उतना ज्यादा उच्चाटन आपको नहीं रहेगा। फिर भी थोड़ा आपको बैलेंस बना करके ही चलना चाहिए, क्योंकि लग्न और सप्तम में जब भी राहु केतु आते हैं, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करते हैं। लेकिन सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, वो आपको काफी कुछ संभालेंगे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है, बहुत ही अच्छी आपकी शुरुआत हो रही है। सारे इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा, करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा सोसाइटी में आपको एक अलग पहचान मिलेगी। ये वो समय रहेगा जब आप बड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और सभी आपके लिए बहुत हेल्पिंग रहेंगे। तो सारे जरूरी काम आप यहाँ पर शुरू कर लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का समय औसत है। खान पान बोली भाषा वाणी का ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन यहाँ पर बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा सा आपके अंदर असंतुष्टि का भाव रहेगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, यहाँ से स्थितियां आपके लिए अनुकूलता देना शुरू करेंगी। रुके अटके भिड़े कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे, फायदा होगा पैसों का, नौकरी में लाभ, यात्राओं से फायदा। सारे इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, कहीं साइन करना है, कुछ आपको नई शुरुआत करनी है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि वो कार्य आपका आगे चल करके पूरा हो जाए, उसके भी आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आपकी कोई भी एज हो, आपका कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, सभी के लिए समय बहुत ही सहयोगी है, तो उसको आपको लाभ ले लीजिएगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, सेंसिटिव है, पारिवारिक पक्ष में कलह क्लेश, वाद विवाद, मनमुटाव, अशांति का वातावरण बन सकता है, तो शांति बना करके रखिएगा। आपकी सेहत सुनते स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छिटपुट स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, सर्दी जुकाम, कोल्ड का फीवर, एक अननोन फियर आपके अंदर यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, शनि वक्री स्थिति में आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, बच्चों से जुड़े हुए काम, पढ़ाई लिखाई, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स से जुड़े हुए जो भी कार्य है, उसको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और गुरु और मंगल आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, फाइनेंशियली पेनेट आपके मदद करेंगे, कुछ कुछ खर्चे भी बना करके रखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लोअर बॉडी पार्ट, कटना छिलना जलना ऐसा कुछ नहीं होने पाए, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु आपके छठे भाव में चल रहे हैं, अच्छी स्थिति है, कंपटीशन, रोग, शत्रु, वाद विवाद से आपको राहत मुक्ति मिलेगी। केतु आपके द्वादश में चल रहे हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों से आप अपने आप को जोड़ करके रखिएगा, थोड़ा सा आपको आइसोलेशन देने का काम करेंगे। और सूर्य आपके दशम भाव में चल रहे हैं, राजनीतिक और सरकारी कार्यों में आपको मदद करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी रुकावट आपको सूर्य दे सकते हैं। बाकी मकान लेना है, गाड़ी वगैरह, आप घर से संबंधित काम उसको सैटर्न पूरा कराएंगे। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है, शुरुआत आपके पहले दिन की बहुत सेंसिटिव है, अनावश्यक व्यय, व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे, यात्राओं में दिक्कतें, ऐसा समय रहेगा, तो बचाव करिएगा। थोड़े बहुत दान धर्म चैरिटीज करिएगा, मंदिर वगैरह आप जा सकते हैं, पैसे नहीं वेस्ट होने पाए, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है वृश्चिक वालों के लिए, ये आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगा। रुके अटके भिड़े कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान प्राप्ति प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। सारे जरूरी काम आप यहाँ पर अपने कर लीजिएगा या आप उसकी शुरुआत कर लीजिएगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है औसत है। खान पान बोली भाषा वाणी का ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन मत करिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर अनफिट रहेंगे और असंतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा, तो इस समय को व्यतीत हो जाने दीजिएगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, यहाँ से स्थितियां आपके लिए अनुकूलता लेकर के आना शुरू करेंगी। रुके अटके भिड़े कार्य पूर्ण होना शुरू होंगे, पैसों का लाभ, यात्राओं से फायदा, लोगों के साथ आपके यहाँ पर ट्यूनिंग बॉन्डिंग बनेगी। आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, किसी भी एज ग्रुप के हैं, सभी के लिए समय सहयोगी है, तो लिखने पढ़ने वाला काम, कहीं साइन करना है, किसी के साथ मीटिंग करनी, कोई नया काम प्रारंभ करना, वो सब आप कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी काम जिसको आप चाहते हैं कि वो कार्य आगे चल करके पूर्ण हो जाए, वो
आपकी विश कंप्लीट हो जाए उसकी भी शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं आपके लिए शनि वक्री स्थिति में आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी काम है उसको पूर्ण करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मदर की हेल्थ और आपके स्वयं के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि जब वक्री होकर के चौथे भाव में बैठता है तो सुख सुविधाएं प्रॉपर्टी वगैरह दे देता है, लेकिन ये चूंकि मैल्फिक प्लैनेट है ना और लग्नेश मंगल का मित्र भी नहीं है, तो या तो माँ की हेल्थ को थोड़ा बहुत प्रभावित करता है या माँ से डिफरेंसेस दे देता है और आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा तो वहां भी थोड़ा परेशानी करता है। तो अगर शनि की दशाएं होंगी तो देखिएगा, हालांकि आपके निकट चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में होंगे, दशाएं फेवरेबल होंगी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल और गुरु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, पैसे और बिजनेस की दृष्टि से दोनों ही प्लेनेट आपको मदद करेंगे, लेकिन पार्टनर के साथ जो संबंध होता है रिलेशनशिप वगैरह होता है वहां बहुत एडजस्ट करके चलिएगा। दोनों प्लेनेट बड़ी इगोइस्ट है, मंगल गुरु एक में नॉलेज है एक में एनर्जी है, तो कई बार क्या करते हैं कि सप्तम में बैठ करके ना ईगो अहंकार की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बिगाड़ने का भी काम कर देते हैं, हालांकि पैसे वगैरह के लिए नहीं दिक्कत करेंगे। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए आप इनका उपयोग करिएगा, अदरवाइज यही राहु आपको गलत तरह के रिश्ते अनैतिक क्रियाकलाप रिलेशनशिप और जो अननेसेसरी के थॉट प्रोसेस होते हैं उन सब में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। राहु पंचम में आता है ना त्रिकोण भाव में केंद्र में अच्छे रिजल्ट करता है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग अच्छे से करेंगे तो, क्योंकि राहु के पास बहुत ज्यादा बहुत एनर्जी है, बहुत उसके पास दिमाग है, बुद्धि के भाव में आएगा तो आपकी बुद्धि को बहुत शार्प करेगा, तो उसका उपयोग आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में करिएगा। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी हो रही है, कहीं से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है, कुछ इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, रुपाट का पैसा आपको मिल सकता है, करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बॉस आपके काफी सहयोगी रहेंगे, बड़े भाई बहन मित्र से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, एनजीओ से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूलता दे रहा है, जरूरी काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है धनु वालों के लिए अनावश्यक व्यय व्यर्थ की यात्राएं खर्चे तो इन चीजों से आपको बचाव करना है, बहुत जरूरी हो तो ही आप जाइए, अदरवाइज कुछ आप चैटिस करते रहिएगा, मंदिर आप जा सकते हैं और पैसे आपके यहाँ पर खो सकते हैं, खोना खर्च होना या जर्नीज कर रहे हैं तो वो असफल हो जाए, इन चीजों से आपको बचाव करना है। गुरुवार सुबह 9 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है ये आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है, पीछे के रुकेट के बीड़े कार्य पूर्ण होना शुरू होंगे, मान सम्मान अष्टप्राप्ति प्रतिष्ठा करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट काम को आप यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा। शनिवार दोपहर 3 बजे से पूरा जो संडे का दिन रहेगा ये थोड़ा औसत रहेगा, खान पान बोली भाषा वाणी का ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन यहाँ पर बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर असंतुष्ट रहेंगे, चीजें आपको अपने मन मुताबिक होती हुई नहीं मिलेंगी इस जगह पर। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं शनि वक्री स्थिति में आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए विदेशों से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसको पूर्ण कराएंगे और काफी आपको यात्राएं करा करके फाइनेंशियली भी आपको ये मदद कर देंगे। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है उनको आप थोड़ा सा बैलेंस और तालमेल बना करके चलना चाहिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, स्टूडेंट अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे तो उनको सफलता भी मिल सकती है। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, परिवार से दूर जाने के संयोग बना करके रखेंगे, माँ की सेहत पारिवारिक पशु को थोड़ा यहाँ पर ध्यान भी रखना चाहिए, और गुरु मंगल के साथ में आपके छठे भाव में चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, पहले की तुलना में स्थितियां आपके फिर भी काफी अनुकूलता दे रही है, स्वास्थ्य संबंधित या जो भी बड़े निर्णय वगैरह होते हैं उसमें अब आपको आसानी होगी, निर्णय लेने में हेल्थ में कोई दिक्कत वगैरह रही होगी वो सब दूर होंगे, प्रोफेशन करियर विदेशों से जुड़े हुए कार्य है उसको ये पूर्ण कराएंगे। जब तक गुरु अकेले थे छठे भाव में थोड़ी दिक्कत की स्थिति थी, लेकिन जब वहां पर जुपिटर का साथ मंगल का साथ मिल गया इनको गुरु को तब वो आपके बहुत से कार्यों को पूर्ण करा देंगे। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो रही है, नौकरी बिजनेस आपका ग्रोथ ही हो जा रहा है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, वर्क प्लेस की स्थितियां बहुत अनुकूलता देंगी, अपने बॉस के साथ मिल करके सैलरी इंक्रीमेंट बोनस के रेफरेंस में बात कर सकते हैं और बिजनेस वगैरह आपका ग्रोथ की ओर जाएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का समय आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है, कहीं से आपके रुकेट के पैसे मिल सकते हैं, विशेष कंप्लीट हो सकते हैं, बॉसेस बड़े भाई बहन मित्र वर्ग के लोग आपके लिए बड़े सहयोगी रहेंगे, काफी आप यहाँ पर प्रसन्नचित रहेंगे, पैसों का लाभ हो जाएगा आपको, जो लोग एनजीओ से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत सहयोगी रहेगा, तो सारे जरूरी काम आप इस समय पर कर लीजिएगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है यहाँ आपको सावधानी रखनी है, अनावश्यक व्यय व्यर्थ की यात्राएं खर्चे
यात्राओं में दिक्कत है, इस तरह का समय रहेगा तो जरूरी हो तो भी आप जेनिस पर जाएं, अदरवाइज पैसे खर्च करने से बचिएगा, थोड़ा बहुत दान धर्म चैरिटीज कर दीजिएगा, मंदिर वगैरह जा सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके यहाँ पर तो जैसे करके उठ सकते हैं। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा मकर वालों के लिए, यहाँ से स्थितियां थोड़ा सपोर्ट देना शुरू करेंगी, पीछे जो रुके अटके कार्य रहेंगे उस सब यहाँ पर धीरे धीरे करके पटरी पर आना शुरू होंगे, करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा, मां समानस प्राप्ति प्रतिष्ठा लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, सारे जरूरी काम आप यहाँ पर शुरू कर लीजिएगा और बड़े आप यहाँ पर खुश रहेंगे, बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, शनि आपके वक्री स्थिति में द्वितीय भाव में चल रहे हैं, देखिए पैसों से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, एंसेस्टर्स से जुड़े हुए जो कार्य हैं, रिसर्च है, डेटा है, या जो भी आर्थिक पक्ष है उसमें आपको ये शनि मदद कराएगा, लेकिन थोड़ा आपको अपने व्यक्तित्व और बोली भाषा वाणी का ध्यान रखना चाहिए, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको तालमेल बिठा करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शनि जब वक्री होता है लग्नेश होकर के भले ही अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा बहुत ट्विस्टेड हो जाता है, मतलब कि वो इस तरह से एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा कि आसपास के लोग जो होते हैं उनसे दूरी बनने लगती है। गुरु मंगल के साथ आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, देखिए कुछ आपके खर्चे होंगे जो कि आपके पढ़ाई लिखाई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मंगल आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण कराएंगे और आर्थिक लाभ भी आपको करवा देंगे, एजुकेशन से जुड़ करके आपको कुछ लाभ हो सकता है। राहु आपके तृतीय भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा है, मीडिया आर्ट वगैरह से कनेक्शन बनाकर कुछ फायदा कराएंगे, आर्थिक लाभ भी करवा सकते हैं, बिजनेस वगैरह के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। केतु आपके नवम भाव में चल रहे हैं, काफी आपको यात्राएं दे सकते हैं, यदि आप ईश्वर आध्यात्म ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं तो काफी अच्छी स्थिति है, थोड़ा सा मंत्र पूजा पाठ इस दौरान आपको रुझान बना करके रखेंगे। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है औसत है, छिटपुट यात्राएं होंगी, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ में मतभेद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आप कुछ छिटपुट यात्रा कर सकते हैं, आसपास कहीं जाना, मंदिर जाना, ऐसी स्थितियां बनेंगी, पढ़ने लिखने का समय व्यतीत होगा, कोई भी आप लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, कोई पेपर डिस्पैच कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती है, अधिक सावधानी के साथ में इन कार्यों को पूर्ण करिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है कुंभ वालों के लिए, यहाँ से स्थितियां आपके लिए अनुकूलता देना शुरू करेंगी, प्रोफेशन वाला एरिया, नौकरी वाला एरिया आपका ग्रोथ की ओर जाएगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, वर्क प्लेस पर स्थितियां अनुकूलता देंगी, बॉस के साथ में मिलकर के करियर इंक्रीमेंट बोनस सैलरी से रिलेटेड बात आप कर सकते हैं और बिजनेस को लेकर के आप यहाँ जो भी प्लान करेंगे वो आपका सक्सेसफुल होता हुआ आपको मिलेगा, करियर ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख रहेगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से लेकर के शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है कुंभ वालों के लिए, यहाँ पर कुछ आपको आर्थिक फायदा हो सकता है, रुके अटके पैसे मिलना, एक शेयर पूर्ण होना, करीबियों का साथ और सहयोग मिलना, आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग के लोग आपके बॉसेस आपके लिए काफी सहयोगी रहेंगे, तो आप सारे इंपॉर्टेंट काम को यहाँ पर पूरा करिएगा, पैसों का अच्छे से आप निवेश कर सकते हैं, पैसे आपको यहाँ पर अवश्य मिल जाएंगे। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो बचा हुआ पूरा संडे का दिन रहेगा कुंभ वालों को यहाँ सावधानी रखनी है, अनावश्यक व्यय, व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे, स्वास्थ्य में दिक्कतें, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो बहुत जरूरी हो तो ये आप यात्रा करिए, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर चैरिटीज करते रहिएगा, दान धर्म, स्पेशली किसी की मदद कर देना, किसी जरूरतमंद को दवाई के पैसे दे देना, ऐसी चीजों पर अगर आप पैसे खर्च कर देंगे तो खुद स्वयं प्रभावित होने से बच जाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं आपके लग्न में ही शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, देखिए आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश प्राप्ति ये सब दिलाने का काम करेंगे, करियर से जुड़े हुए आपके काम बिजनेस रिलेटेड कार्यों को पूर्ण कराएंगे, लेकिन थोड़ा आपके ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप तालमेल बिठा करके चलिएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत दाम्पत्य में डिस्टर्बेंस देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने शत्रु राशि सूर्य होती है ना, सूर्य की होती है तो वहां पर कई बार दिक्कत पैदा करते हैं, और अभी सूर्य जो है छठे भाव में चल रहे हैं तो पार्टनर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज या किसी भी तरह के डिफरेंसेस वगैरह होंगे तो शांति से रहिएगा, बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा। राहु आपके द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, पैसों की दृष्टि से ठीक है, पैसे वगैरह आपको अच्छे से दिलवाएंगे, लेकिन खान पान बोली भाषा वाणी का ध्यान रखिएगा, नॉनवेज अल्कोहल से अपने आपको बचा करके रखिएगा, रिसर्च नौकरी की दृष्टि से अच्छी स्थिति है उनकी। मंगल और गुरु आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड कार्यों को पूर्ण कराएंगे, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं और प्रोफेशन में दोनों ही प्लैनेट आपको मदद कर देंगे। कुंभ वालों को थोड़ा खर्चे का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी।
मीन राशि और लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक का जो समय है सेंसिटिव है। पारिवारिक पक्ष का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट काम टालिएगा, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़े से आप अपसेट रहेंगे, मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मंगलवार सुबह 3 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 9 बजे तक का जो समय है आपको यात्राएं दे सकता है, छिटपुट यात्राएं होंगी, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद कहाँ सुनी या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत यात्राएं भी करेंगे, यदि आप कुछ भी लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, कोई पेपर डिस्पैच का काम कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को, तो उन सबका थोड़ा ध्यान रखिए, उसमें आपसे त्रुटियां होने के काफी चांसेस बनेंगे, तो गलत कुछ भी नहीं होने पाए आपके द्वारा, उसका ध्यान रख लीजिएगा। औसत सा समय रहेगा, असंतुष्टि का भाव आपके अंदर यहाँ रहेगा, तो इस समय को शांति से निकाल लीजिएगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, यहाँ से स्थितियां आपके लिए सहयोग देना शुरू करेंगी, नौकरी बिजनेस ग्रोथ की ओर जाएगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ होगा, बॉस आपके लिए काफी सहयोगी रहेंगे, करियर से रिलेटेड जो भी आपको बातचीत करनी है, इंक्रीमेंट, बोनस, सैलरी रिलेटेड, इस रेफरेंस आप अपने बॉस के साथ में बात कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, करियर आपका ग्रोथ की ओर जाएगा और बिजनेस वगैरह में आपको यहाँ पर काफी फायदा हो सकता है। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, यहाँ आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, विकेट के आपके पैसे प्राप्त हो सकते हैं और कुछ विशेष आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, करीबियों का साथ में सहयोग मिलेगा, बॉस आपके हैं, बड़े भाई बहन हैं, मित्र वर्ग के लोग हैं, वो सभी आपके लिए बहुत सहयोगी रहेंगे, पैसों का अच्छे से निवेश करिएगा यहाँ पर, और कुछ शिक्षाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं, रिश्तों में आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा समय रहेगा ये आपके लिए, उसका फायदा ले लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, शनि वक्री स्थिति में आपके बारहवें भाव में चल रहे हैं, ये वो समय है कि आप अपने आप को हर एक तरह के लड़ाई झगड़े कलह क्लेश कोर्ट केस वाद विवाद ऐसी सारी चीजों से बचा करके ही चलिएगा, क्योंकि वो खर्चे के भाव में शनि चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपरली करिएगा और भाषा शैली वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए, यात्राएं आपको जरूर देंगे यहाँ पर शनि, लेकिन जो भी आपकी जर्नीज होंगी वहां पर भी आप बहुत अच्छे से रहिएगा, सावधानी से रहिएगा, पूरी तैयारी के साथ में रहिएगा, क्योंकि जो जर्नीज होगी वहां पर थोड़ा बहुत आपको परेशानी भी देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लगन में आपके राहु चल रहे हैं, अच्छा है, वो आपके बिजनेस, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, यात्राएं, इन सब चीजों को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो उसका फायदा ले लीजिएगा। केतु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, व्यापारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन पार्टनर के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। गुरु और मंगल आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहले की तुलना में अब इनकी फिर भी काफी अच्छी स्थिति है, या आपको कुछ ना कुछ पैसे नौकरी से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसको पूर्ण कराएंगे, स्पेशली जो मीडिया आर्ट से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो सब आपके यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं, और जितने भी विवाद वाली चीजें होती है उससे भी आपको ये मुक्ति दिलाएंगे। सिर्फ आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की जो विवाद वाली चीजें होती हैं उससे आप बचाव करिएगा, क्योंकि आप लोगों की ना 7:30 चल रही है और चंद्रमा के ऊपर से ही राहु का गोचर हो रहा है, तो ये आपको कई बार मानसिक रूप से विचलित कर सकता है, मतलब एक तरह का नॉन फेयर गलत डिसीजन ये सारा कुछ करवा सकता है। 7:30 ये प्रारंभ में यही सब कुछ चीजें होती है, और शनि वक्री स्थिति में आपके लाभ के मालिक होकर के 12th में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, तो 12वां भाव एकांत का, आइसोलेशन का है, विदेश का है, फॉरेन का है, तो वहां बैठ करके वो सीधे छठे भाव को देख रहे हैं, तो उनको पैसे खर्च कराने हैं और उनको पैसे पैसों का इन्वेस्टमेंट भी करवाना है, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, चतुर्थ से नवम भाव है ना, माने कि चौथे भाव का भाग्य भाव होता है ना, नवा भाव, तो अगर आप सूझबूझ से अपने पैसों को लगाएंगे तो वही पैसा आगे चल करके आपको मिलेगा प्रॉफिट के फॉर्म में, और यही शनि आपकी आपको गलत चीजों में उलझा करके आपके अनावश्यक व्यय भी करवा सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सप्ताह है मिला जुला पर भाव देगा, तो आप लोग साप्ताहिक राशिफल को एक गाइडलाइन के तौर पर ही लिया करिए, मेन आप अपने खुद के नेटल चार्ट में आपकी कौन सी दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है उसके ऊपर अधिक फोकस दिया करिए, क्योंकि आपकी लाइफ का जो गवर्निंग पीरियड होता है वो आपकी शुरुआत की जो 3 दशाएं होती है ना, महादशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, मेन वही से आपकी लाइफ गवर्न हो रही होती है, अगर वहां पर ठीक ठाक आपका चल रहा है, सही ग्रह चल रहे हैं, योग कारक ग्रह चल रहे हैं, तो लाइफ ठीक चलती है, बाकी अगर वहां किसी तरह की दिक्कत हो, ट्रांजिट में भी तरह थोड़ा परेशानी वाले स्थिति में आ जाते हैं, तब भी दिक्कत हो जाती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल से कुछ गाइड मिलती होगी कि कैसे आपको सप्ताह में प्लान करना है, और आप सबके सपोर्ट के लिए वह फिजिला आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।